सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली है धार मध्य प्रदेश से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, कहीं नहीं जाइएगा, बिल्कुल बन के रहना है। कार्यक्रम के आरंभ से लेकर के अंतिम तक के कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिए, कल विश्लेषण का कार्यक्रम भी देखा करिए, प्रत्येक दिन सुबह और शाम दोनों समय का कार्यक्रम अवश्य देखा करिए। क्योंकि कई बार मैं बहुत सारी चीजें अंतिम में जाकर के बताता हूँ, जो आप लोग जो पूरा देखते हैं कार्यक्रम मेरा, उनको जरूर निसंदेह बड़ा अच्छा ही लगता है, खराब तो नहीं लगता है। आइए विषय पे लेके आऊंगा, पर उससे पहले बताऊंगा मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने ठीक वही बात कही है जो भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में गीता जी में कही थी। उन्होंने कहा है कि गीता जी के तीसरा अध्याय के 35वें श्लोक की बात है, श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनिष्ठितात् वाली बात, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मात् भयावह, ऐसे करके उसमें ये बात है कि अपने धर्म में मरना भी श्रेष्ठ है और अपने धर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ होता है। किसी दूसरे धर्म में चाहे कितनी अच्छाइयां हो और अपने धर्म में थोड़ी बहुत कमजोरी भी हो, तो जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है उस धर्म को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। मेरे पास एक कुंडली आई थी होशियारपुर पंजाब से, और होशियारपुर पंजाब से आई थी या हाँ पंजाब में अमृतसर से थोड़ी दूर पर एक जगह है फतेहगढ़ चूड़ियां, एक जगह है फतेहगढ़ चूड़ियां ही है ऐसे ही करके, आप लोग में से अगर जो पंजाब के होंगे वो जानते होंगे। उसी के आसपास का कोई गांव का इलाका था, वहां की एक जातिका से मेरी बात हो रही थी कुंडली पे, तो उन्होंने कहा, मैंने पूछा कि आप लोग तो खालिस्तान मांग रहे हो, पता नहीं क्या, ऐसे मैंने कुछ कहा, ऐसे थोड़ा सा जिक्र किया, तो उन्होंने कहा पंडित जी मत पूछिए हम लोगों को, मैं तो ब्राह्मण हूँ। वो बोल रही थी कि मैं मूलतया हिमाचल प्रदेश की हूँ, पर यहाँ मैं रहती हूँ, मेरे पूर्वज पहले यहाँ बाद में आ गए थे, पर हम लोगों को दबाव में डाला जाता है, दबाव बनाया जाता है कि हम लोग ब्राह्मण से सिख हो जाएं और नहीं तो फिर मुसलमान हो जाएं, ऐसा उन्होंने कहा था। तो मैंने उनको यही बात बताई थी, और यहां भी भगवान मनु ने यही बात कही है, अपने धर्म में इतना विश्वास रखिए, क्योंकि सबसे कमजोर आज हमारा धर्म ही है। प्रचार बहुत हो रहा है, मानने वाले बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कल के आप मेरा कम्युनिटी का पोस्ट प्रत्येक दिन अवश्य देखा करिए, उसमें बहुत सारी चीजें मैं लिखता हूं। जैसे मैंने आज के कम्युनिटी में पोस्ट डाला है कि आधे तो विधर्मी ऐसे ही मर जाएंगे कि अगर आप मांसाहार खाना छोड़ दें, आपके धर्म का पालन भी हो जाता है और आप अपने धर्म की सुरक्षा भी कर लेते हैं, आपका भोजन बिल्कुल ही शुद्ध नहीं है। मैंने ये बात कल भी कार्यक्रम में कही थी और आज भी कह रहा हूं। आप किसके द्वारा, आप मांसाहार खाते हैं पर किसके द्वारा कटा हुआ खाते हैं, कौन उसे काटता है, कौन उसे पोसता है, कौन उसे पाल करके बड़ा करता है, और फिर कौन उसे बेच देता है, और आप किसके द्वारा कटा हुआ खा रहे हो। सबसे पहले तो आपने ही सनातन धर्म को यहीं से कमजोर कर दिया। उसके बाद की चीजें तो चलती रहती हैं, तो सबसे पहले प्रथमतया आप अपने भोजन में से मांसाहार को वर्जित करिए। श्रावणी महीने में अगर बंद हो जाता है, सनातन धर्म के लोग श्रावण में, कुछ तो विधर्मी ऐसे हैं जो श्रावण में भी खाते हैं, भोजन पे ही सबसे बात करूंगा, मतलब निकृष्टतम की हद है, तो श्रावण माह में दुकान ठेले वाले सब बंद हो जाते हैं इस तरीके के मांस जहां कटता है। तो सोच के देखिए, अगर आप लोगों के घर में मांसाहार आना बंद होगा तो सबसे पहले तो बुद्धि बड़ी अच्छी होगी, आपको किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इनके प्रश्न पे लेके आता हूं। इन्होंने प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा है, ये प्रश्न इतना बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं। इनका प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है, आने वाले समय में मेरे पास धन की क्या स्थिति होगी, मेरी कुंडली में कैसा योग बन रहा है, मतलब कुछ पैसे इकट्ठा कर दूंगा तो आपकी कुंडली में धन भाव का अधिपति स्वग्रही है और ये अपने रोजगार से धन देता हुआ दिख रहा है, जिसपे धन के कारक गुरु की मित्र दृष्टि है और लग्न पे शनि की उच्च दृष्टि है, जिसपे बुध की दृष्टि है जो नवम भाव के अधिपति हैं। ये सारी स्थितियां आपके इस प्रश्न के उत्तर के लिए हाँ में उत्तर देती हैं, पर इस कुंडली में समस्या ये होगी भगवान कि आपका जन्म कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को हुआ है, जिसके कारण बचाने में दिक्कत होगी। यहां नीच के शनि और राहु 12 में, ये शनि और राहु का योग आपके दशमांश कुंडली को कमजोर ले जा रहा है, लेकिन यहां भी धन भाव के अधिपति
सप्तम भाव में व्यापार के भाव में बैठे हैं, अगर जन्म कुंडली में, ध्यान से समझिए, मुझे देखिए, अगर जन्म कुंडली के धन भाव के अधिपति सप्तम भाव में बैठ जाएंगे तो आपको खुद के रोजगार पर ध्यान ज्यादा देना चाहिए। ये कुंडली तुला लग्न की है देवताओं, और इस तुला लग्न की कुंडली के लिए लग्नेश होते हैं शुक्र, जो भाग्य भाव में बैठे हैं, और सूर्य के साथ बैठे हैं जो लाभ के अधिपति हैं। लग्नेश का संबंध लाभ भाव के अधिपति के साथ भाग्य में होगा तो ये ऐसे भी उत्तरोत्तर वृद्धि और धनदायक योग बना देता है। ये पहला प्रश्न है, पर इनके पहले आपको दूसरा प्रश्न बता दूं, क्या मैं भक्ति की या आध्यात्मिक उन्नति के चरम पर पहुंच सकता हूं? इसका साधारण उत्तर अगर आपको देना हो तो सबसे पहले जन्म कुंडली में लग्न पे पड़ने वाले ग्रह की दृष्टि को देख लीजिए। तो आपकी कुंडली में लग्न पे कौन देख रहा है? एक शनि, जो मोक्ष के कारक होते हैं, उनकी उच्च की दृष्टि जा रही है, ये अच्छी बात है। और मंगल जन्म कुंडली में सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं लग्न को, इसका अर्थ है कि शनि और मंगल का प्रभाव लग्न पे है तो व्यक्ति के जीवन में समस्याएं भी आएंगी और जिम्मेदारी भी रहेगी, पर लग्न पे शनि का प्रभाव है और बारहवें भाव के अधिपति बुध भी जन्म कुंडली में शनि के द्वारा देखे जा रहे हैं, ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति है। यही सवाल है, इसी वजह से व्यक्ति ने ऐसे प्रश्न किए हैं, क्योंकि मोक्ष भाव का अधिपति बारहवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न को देख रहे हैं, और बुध मोक्ष का अधिपति होता है और वो जन्म कुंडली में शनि, जो मोक्ष के कारक होते हैं, उनके द्वारा देखा जा रहा है। दूसरी बात, उच्च का चंद्रमा अष्टम भाव में चिंतन प्रक्रिया बड़ी ही मजबूत और श्रेष्ठ बना देता है, इस वजह से भी व्यक्ति की कुंडली में मोक्ष के योग बनते हैं। मैंने इस पे एक कार्यक्रम बनाया था बहुत पहले, तो नहीं पर थोड़े दिन पहले, आप लोग नीचे जाएंगे तो देखेंगे कि जन्म कुंडली के छठवें, जन्म कुंडली के सातवें और जन्म कुंडली के आठवें भाव में अगर शुभ ग्रह बैठ जाते हो तो व्यक्ति को भगवान के चरणों में जगह मिल जाती है, वो बैकुंठ भले जाए ना जाए पर स्वर्ग लोक तक उसकी प्राप्ति अवश्य हो जाती है। पर ये कुंडली में बनने वाले योग हैं जो निसंदेह संपूर्णतया भले सत्य सिद्ध न होते हों, पर आपको ये जरूर ही बता देते हैं कि थोड़ा प्रयास कर दो, क्या पता शायद मिल जाए। तो ये स्थिति यहां पे है, मतलब आपके पास जिम्मेदारी रहेगी क्योंकि शनि मंगल हैं। तो वैसे इस कुंडली का सर्वाधिक योग कारक ग्रह आपकी कुंडली में शश महापुरुष योग बना रहे और मंगल रुचक योग बना रहे। इन्होंने ये भी पूछा है कि अष्टम के चंद्रमा के कारण मेरी मन की स्थिति पर विस्तृत जानकारी दीजिए। देवता, भगवान, प्रभु, मैं आपको एक बात बताता हूं, जन्म कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा है तभी आपका मन ये प्रश्न पूछ रहा है। सवाल ये उठता है कि व्यक्ति ने ऐसे प्रश्न पूछे क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में चिंतन का भाव उच्च का है, रोहिणी नक्षत्र के चंद्रमा बैठे हैं और 14 डिग्री के बलवान, जिस पे जरा देखिए तो जिससे केंद्र में गुरु और जिस पे किसी भी पापक ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है और न तो वो पाप कर्त्री नहीं है। हालांकि मंगल और केतु का योग इसे जरूर परेशान करेगा। आप परेशान इसलिए हैं क्योंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा अष्टम में बैठा है और यहां पे जन्म कुंडली में बुध जन्म कुंडली में बहुत अच्छे हैं, शुक्र बहुत अच्छे हैं, राहु यहां बैठा है, इस वजह से उद्वेगीपन देता है। और यहां पे जन्म कुंडली में आत्मविश्वास कमजोर होता है कर्म क्षेत्र को लेकर के, क्योंकि सूर्य नीच के हो जा रहे हैं। शुक्र जन्म कुंडली में 8 नंबर की राशि में बैठे हैं जो जन्म कुंडली में अष्टमेश हो जाते हैं। इसका अर्थ होगा कि यहां शुक्र जन्म कुंडली में करियर को लेकर के कभी कभी परेशानी दे सकते हैं। हालांकि मैं इस पे नहीं जाऊं, गुरु नीच के हैं, थोड़ी कमजोरी होगी, पर वस्तुतः जन्म कुंडली में मंगल पे उनकी दृष्टि है जो इस कुंडली का धन भाव का अधिपति है। धन भाव में नीच के शनि और 12 में राहु दशमांश कुंडली को कमजोर कर रहे हैं। इसका अर्थ होगा, आपने पूछा था अष्टम भाव के चंद्रमा के बारे में, चंद्रमा आपकी कुंडली में अवस्था से और राशि से दोनों ठीक है, पर कमजोरी दो तरीके से आ रही है। एक, सबसे पहले वो पक्ष के बल से कमजोर है, याद रखिए क्षीण चंद्रमा मार मार के गाल लाल कर देते हैं गाल लाल करें ना करें दिमाग बड़ा परेशान होता है और मैं इसका भुक्तभोगी हूं। आपकी कुंडली में भी चंद्रमा जन्म कुंडली में उच्च के बैठे हैं, रोहिणी नक्षत्र में 14 डिग्री के युवावस्था के होंगे और गुरु से केंद्र में हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो किसी भी पापक ग्रह से दृष्ट नहीं है। यहां पर चंद्रमा उच्च के हैं, ये वर्गोत्तम होंगे, मतलब आय में विषमता बनी रहेगी, धन इकट्ठा करने में दिक्कत होगी, पर आपका काम कभी भी बिगड़ेगा नहीं क्योंकि गुरु उसे संभाल रहे हैं। इस भाव के अधिपति लाभ भाव में बैठे हैं एकादशवें के गुरु, थोड़े कमजोर जरूर होंगे अकेले होने के कारण, पर अष्टम भाव के चंद्रमा आपको कभी भी जब बात पे अटक जाए, कोई सुई किसी बात पे अटक जाए तो निकलने का नाम नहीं लेती है और वो हमेशा ही आपको इतना परेशान करती है कि मान लो कि पगला गए। हाँ, और एक बात और भी बता देता हूं, जब जब ये चंद्रमा
अमावस्या के करीब जाएंगे और जब तक प्रतिपदा द्वितीय तृतीय चतुर्थी न बीते तब तक आय भी परेशान होगी और मानसिक व्यवस्था भी गड़बड़ होती है। ऐसी स्थिति में निपटने के लिए आपको सबसे ज्यादा भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। शिव जी के मंदिर में जाने का काम करिए। जितना हो सके सूर्य को अर्घ देने में कभी भी कोई बर्ताव गलत वाला मत करिए। सूर्य को अर्घ दीजिए, हो सके तो शाम के समय भी भगवान शिव की पूजा किया करिए। दही से भगवान शिव को स्नान करिए, शहद, पीसी हुई चीनी और जो कुछ भी बन पड़े भगवान शिव को अर्पित अवश्य करिए। भगवान भोलेनाथ के सामने साष्टांग प्रणाम करिए। आसपास कोई ठाकुर जी का मंदिर हो, कोई भोलेनाथ का मंदिर हो तो उसे धो दिया करिए। इससे बढ़िया चंद्रमा को ठीक करने के लिए मैंने आपको कोई उपाय आज तक नहीं बताया और ना बताऊंगा। इस कुंडली में बहुत अच्छी कुंडली बनी है, कारक ग्रह बढ़िया बैठा, बुध इस कुंडली के लिए राजयोग कारक होते हैं। चिन्ह खींचूंगा तो अच्छा लगेगा आप लोगों को। ये शनि बहुत अच्छे हैं, ये बुध यहाँ पे बहुत बढ़िया है, केंद्र त्रिकोण का योग, गुरु की दृष्टि सप्तम भाव और सप्तमी स्वर धन भाव के अधिपति पे, ये व्यापार से ही धन लाएगा। ये स्थिति इतनी अच्छी बनी है। दूसरी बात है, अगला प्रश्न इन्होंने पूछा है, मतलब ये चंद्रमा आपको व्यय में गड़बड़ी करेंगे, धन बचाने में दिक्कत होगी और धन भाव पे उनकी नीच की दृष्टि जा रही है, लेकिन धन भाव से केंद्र में गुरु हैं और गुरु से पांच घर आगे राहु बैठे हैं जिसने गुरु को प्रभावित किया है। ये गुरु के प्रभावों को और कई बार आपके तेज को कमजोर करेगा। लग्न पे शनि मंगल का प्रभाव आपको साहस, बल, ढाढ़स और हिम्मत रखने की बात कहेगा। विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होता रहे पर मैं इतनी बात जरूर कहता हूं कि कुंडली कमजोर नहीं है, क्योंकि लग्न को शनि उच्च की दृष्टि से देख रहे हैं तो व्यापार वगैरह ठीक चलता रहेगा। थोड़ी बहुत कमजोरी वो चंद्रमा के कारण बन रही है और वो उसको आप ठीक नहीं कर सकते। वस्तुतः कुंडली समझने की ही चीज होती है भगवान। कुंडली समझ लिया, समाधान मिल गया। मैंने कल या परसों के कार्यक्रम में बात कही थी, ज्योतिष का बंटाधार, ध्यान से देखिए मुझे कहां देख रहे हैं, मैंने कहा ज्योतिष का बंटाधार तब से शुरू हो गया जब लोग ज्योतिषी के पास जाकर के ये पूछने लगे, पंडित जी कितना धन है, और यही बात ज्योतिषी को लग गई। उसने कहा यह व्यक्ति धन का मारा मारा है, या धन के लिए मार रहा है, फिर रहा है, परेशान है, इसका धन चूसो। फिर उसने अपने आप को करोड़पति बना लिया, अरबपति बना लिया और आपको कंगाल कर दिया। यह मैं खुले तौर पर सबको, सबके लिए यह बात कह रहा हूं। आपने जिस दिन ज्योतिषी के पास आकर के धर्म के बारे में नहीं पूछा, अध्यात्म के बारे में नहीं पूछा, पूर्व जन्म के किए गए पापों के बारे में नहीं पूछा, इस जन्म में होने वाले आध्यात्मिक चिंतन और उसमें वैचारिक उद्बोधन के बारे में सवाल नहीं पूछा और सिर्फ धन 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 करते रहे तो ज्योतिषी करोड़पति जरूर हो जाएगा, आपको कंगाल कर देगा। ये बात मैं खुद होने के बाद भी आपसे बोल रहा हूं। हां, अवस्था ठीक है, आपके पास आमदनी के स्रोत कैसे अच्छे हो सकते हैं। धन की समस्या है, धन का दान करिए। धन की समस्या है, धन का दान करना शुरू करिए, धन स्वतः धीरे धीरे आने लगेगा। अगला प्रश्न उन्होंने पूछा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मलुकदास जी, सदगुरु राजेंद्र दास जी महाराज जी से मुझे दीक्षित होना है वृंदावन में, पर अभी तक ऐसा योग नहीं बन रहा है, कब तक योग बनेगा। देवता बहुत बढ़िया है, आहा, मन जीत लिया आपने। इसके योग आएंगे 2024 के जनवरी में, आपके जीवन में गुरु का पादार्पण होगा और निश्चित रूप से आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर वहां तक पहुंचने में कोई दिक्कत हो रही होगी तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से छोटी मोटी पहचान है मेरी, बहुत ऊंचे व्यक्ति हैं वो, उनके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूं, क्या कहूं, कण भी नहीं हूं, और पतिथि हूं उनके सामने। वो बड़े, एक शब्द नहीं कहूंगा, पर आपके अंदर अगर ये भाव जग रहा है निसंदेह बहुत उत्तम है, इसे जितनी जल्दी हो सके पूरा करिए। इसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं कुछ हद तक। अगला प्रश्न पूछा है, मेरा व्यवसाय कैसा रहेगा। लकड़ी के मंदिर बनाने का व्यवसाय है, बहुत बढ़िया रहेगा, आप अपना काम करते हैं। जन्म कुंडली में बुध के ऊपर अगर मंगल की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति क्रिएटिव होता है, और उस व्यापार या धन भाव के अधिपति के ऊपर मंगल या गुरु की दृष्टि है, भगवान में लगे हैं, भगवान का घर बना रहे हैं, भगवान आपका घर बनाएंगे। और आपकी कुंडली में तो शनि यहां बैठे हैं। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनके ठीक पीछे राहु बैठा है। और दूसरी बात है कि राहु का प्रभाव मंगल पे भी है, राहु का प्रभाव गुरु पे भी है, राहु का प्रभाव शुक्र और सूर्य पे भी है। ये सब आपको परेशान करने के लिए काफी हैं। इसी वजह से कई बार विषम परिस्थितियों का निर्माण होगा दाम्पत्य को लेकर के, पर भी टूटेगा नहीं, चलता रहेगा। थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी जिसमें आपको बैलेंस करना चाहिए। दूसरी बात है, गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव आपको परेशान करने के लिए काफी होगा, जिसके कारण
कई बार चित्त व्यग्र होगा और सकारात्मक प्रभावों का कमजोर होना आसान हो जाता है। मतलब जीवन में निगेटिविटी भी रहती है, उसको ठीक करने के लिए एकादशी व्रत शुरू करिए। संतान पक्ष से भविष्य कैसा रहेगा? ठीक है, क्या गड़बड़ है? यहां इस भाव के अधिपति और इस भाव के कारक, और इस भाव के अधिपति बहुत बढ़िया हैं, भाग्य भाव के अधिपति बुध के द्वारा देखे जा रहे हैं, और जन्म कुंडली में अगर आपकी कुंडली में D7 चार्ट में देखूं, D7 चार्ट जो देखूंगा तो वहां पर भी मैं जो स्थिति देख रहा हूं बहुत बढ़िया है। बुध और चंद्रमा केंद्र में है, शुक्र बहुत अच्छे हैं, गुरु की दृष्टि जन्म कुंडली में बहुत अच्छी बन रही है, खराब नहीं है। आप स्वयं भी एक अच्छी संतति सिद्ध होंगे, और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में सूर्य चंद्रमा के पास बल इतना बढ़िया है, युवा अवस्था के बैठे हैं तो कुछ ना कुछ परिणाम दे देंगे। आपकी कुंडली में ये चंद्रमा थोड़ा कमजोर पक्ष के बल से हो रहा है, अन्यथा वो कोई परेशानी वाली बात नहीं। हालांकि वो वर्गोत्तम है, चंद्रमा के आगे राहु बहुत अच्छे नहीं होते, वो आगे पीछे कोई ग्रह में नहीं है इस वजह से। हालांकि यहाँ पे शनि की दृष्टि भी उसे प्रभावित कर रही है, गुरु मंगल का शिक्षकीय योग यहाँ पे बना है, दाम्पत्य भाव में सप्तम भाव ठीक बना है, मैं इसे खराब नहीं कहूंगा, दाम्पत्य कुल मिला के ठीक है, संतान भाव भी ठीक बना हुआ है। वैवाहिक जीवन वही राहु और वही गुरु दोनों देख रहे हैं, मतलब 50% से ज्यादा, क्योंकि मैंने एक बात कही है, लाभ भाव के गुरु और सप्तम भाव पे, पंचम भाव पे या कहीं भी अगर गुरु की दृष्टि जा रही है तो खराब होने वाली कोई बात नहीं है। परंतु इस कुंडली के लिए गुरु पापी भाव के अधिपति होकर के आपकी कुंडली में पत्नी को भी, आपके भाइयों के साथ और आपके कुटुंबजन और आपके संतान के साथ कभी कभी मतभेद और उन्हें रोग विलाय देते रहेंगे। इस वजह से आगे आने वाली है गुरु की दशा, इस वजह से उसमें अपने संतान को लेकर के, अपनी पत्नी और अपने भाई, छोटे भाई वगैरह और अपने पराक्रम को लेकर के बिल्कुल ही मजबूती से पेश आइएगा। उसमें कभी भी किसी भी तरीके की नाफरमानी बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि यहां गुरु सिंह राशि के बैठे हैं जिसपे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि है और गुरु किसी भी शुभ ग्रह से प्रभावित नहीं है। चंद्रमा इस वजह से थोड़ा अच्छा हो रहा है क्योंकि चंद्रमा से केंद्र में गुरु बैठे हैं। अष्टम का दोष चंद्रमा को नहीं लगता है, लेकिन वो पक्ष बल से कमजोर हैं और उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। अगर चंद्रमा के ऊपर कम से कम किसी एक शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाती तो वो बहुत अच्छा हो जाता, पर कहीं ना कहीं से वो अपने भावातिरेक में आकर के अपना बल वृद्धि करेगा क्योंकि वो वर्गोत्तम है, परंतु वो बात नहीं रहेगी जो एक अक्षुण चंद्रमा का होता है। आपकी कुंडली में चंद्रमा के पास कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी का चंद्रमा, ये बुरा होता है, अच्छा नहीं होता, इस वजह से धन टिकने में दिक्कत होगी, जैसा कि मैंने पहले बताया है। अगला प्रश्न आपने पूछा है, माता पिता व भाई बहन से कैसा रहेगा? ठीक है, ये ठीक है। कैसे ठीक है? आप अपनी पत्नी के साथ पहले मतभेद अगर जो थोड़े बहुत हैं उसको ठीक करिए, उनके साथ कम्युनिकेशन गैप मत करिएगा। यहाँ पे सप्तम भाव, नवम भाव के अधिपति यहाँ बैठे हैं गुरु के संग, जो लग्नेश है, तो लग्न का अधिपति छठवें में और नवम का अधिपति छठवें में, और खास करके शनि के साथ, ये ठीक नहीं होता है प्रभु जी, इसको ठीक करिए। और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं ये आप जानते हैं, कैसे? अपने आप को और भी गंभीर और अपने आप को और भी ज्यादा चिंता से मुक्त करिए। आप सबसे ज्यादा, आपकी कुंडली में सबसे बड़ी समस्या है सोचते बहुत हैं, क्योंकि अष्टम का चंद्रमा और कम से कम किसी भी शुभ ग्रह से प्रभावित नहीं, ऊपर से यहां पे राहु जो कई बार भेद शामिल करने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। नक्षत्र पे भी बात होगी, आगे बताता हूँ, पहले प्रश्न पढ़ देता हूँ। मेरी कुंडली में रुचक और शश योग दोनों बन रहा है, लेकिन इसका सकारात्मक प्रभाव कब होगा? अभी आप राहु की दशा से गुजरे हैं और मैंने क्या बात कही थी, अभी राहु वाले कार्यक्रम को जाकर के देखिए, पूरा प्लेलिस्ट जाकर के चेक करिए। राहु केतु से संबंधित कार्यक्रम मैंने बनाए हैं, 27 से 28 कार्यक्रम उसमें हो रखे हैं। अभी मेरी चर्चा जो सीरीज में बना रहा हूं उसमें राहु के ही बारे में चर्चा कर रहा हूं, जिसमें राहु के तीसरे भाव के बारे में बात कही है। अगर शुभ ग्रह की राशि में बैठा होगा तो धन देगा, शुभ ग्रह से दृष्ट होगा तो धन देगा, दो शुभ ग्रह कम से कम उसे देख रहे हैं और एक जन्म कुंडली का लाभेश देख रहा है तो ठीक है। ये राहु आपकी कुंडली में छोटे भाई बहनों से संबंधों में कमजोरी देते हैं, कई बार मैंने कल ही के कार्यक्रम में कही है कि कई बार वो निष्ठुर होते हैं और परेशान करने वाले हो जाते हैं, शत्रु की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर तीसरे भाव में राहु हो जाते हैं। तो ये राहु आपको कम से कम जिद्दी, हठी, गुस्सैल, क्रोधी और कामी बनाने के साथ साथ आपके व्यापार को भी कभी कभी तंग करेगा। मेष राशि को देख रहा है तो खराब तो नहीं होगा, परंतु ये तटस्थ होकर के बैठे हैं, इनके ऊपर गुरु और शुक्र की अगर दृष्टि नहीं होती तो ये और भी खराब हो जाते हैं। राहु वहां बैठे हैं मूल नक्षत्र के, जिसका अधिपति केतु कम से कम आर्द्रा में बैठकर के परिवर्तन योग, ये ठीक होगा, इसे खराब नहीं कहूंगा। इसका अर्थ होगा कि राहु आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बैठा है, और अच्छा बैठा था इसने आपको दरअसल पॉइंट टू पॉइंट इसने आपकी मदद भी की है, और दरअसल ये वही ग्रह है जिसने आपको जीने का मार्ग भी दिया था।
इसी दशा काल में आपका व्यापार बढ़ा होगा, क्योंकि आप 1992 के हैं तो इसने आपको ये दशा, इसी दशा में आपको मिला है कि मुझे ये करना है और काम ये मत छोड़िएगा। इसके अतिरिक्त आप शनि और मंगल से संबंधित कोई भी कारोबार अगर करना चाहें, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ करके कोई काम करना चाहें तो कर सकते हैं। भोजन, अनाज, रेस्टोरेंट, खाना पीना और पुष्प का व्यापार आपकी कुंडली में भी बनता है। मसाले का काम भी आपकी कुंडली में बनेगा, ट्रांसपोर्ट का काम भी आपकी कुंडली में बनेगा। वैसे आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा के बाद दशम स्थान की स्थिति देखते हैं तो चंद्रमा से दशम स्थान के अधिपति शनि बनते हैं और सूर्य से दशम स्थान के अधिपति गुरु बनते हैं, और शनि और गुरु में बलवान तो शनि ही बन रहे हैं। नवांश कुंडली में शनि जो है वो शत्रु के घर में जा रहे हैं और वहां पे मघा नक्षत्र को पकड़ रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि आपकी कुंडली के आधार पे मैंने जैसे बात कही ट्रांसपोर्ट वाला काम और बिल्डिंग मटेरियल का काम अगर ये करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब आपकी कुंडली में मैं नक्षत्र पे लेके आता हूं। सूर्य जिस नक्षत्र में बैठे हैं, आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं और इसका अधिपति राहु उन्हें देख रहा है, पर यह राहु की दृष्टि आपके आत्मबल को कमजोर करने और आपके पराक्रम को कमजोर करने के लिए काफी है। इस वजह से आत्मबल कमजोर ना करिएगा। लक्ष्मी संपन्न बनना चाहते हैं तो धन का दान करिए गौशालाओं को और प्रतिष्ठित गौशालाओं को दान करिए। आपने जिनका नाम लिया है ना, जिनका नाम लिया है, मैं तो उनका नाम भी नहीं ले सकता, तो इतने उच्च हैं वो। मैं तो इतना पतित निकृष्ट हूं कि उन जैसे व्यक्ति का नाम लूं तो उनको दोष लग जाए। मैं इतना पतित हो सकता हूं, वो बड़े ऊंचे आदमी हैं, मलुक पीठ के बारे में जो बात कर रहे हैं। और एकमात्र अगर मैं विश्व की बात करूं तो ऐसे भारत भूमि में संतों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक हैं, पर मैंने जहां तक जाना है कभी मिला नहीं हूं। पर जितना मैंने मेरे अंदर जो भगवान के थोड़े से कृपा के गुण हैं उसके अंदर कृपा से, अगर कोई भारत में अगर कोई इस कली काल में ऐसा कोई दिव्य संत महात्मा है तो मेरी दृष्टि में दो चार, एक मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया है, दूसरा मैं उन्हें मानता हूं। पुरी के पीठाधीश्वर जी हैं, राघवाचार्य जी हैं, जितने भी हैं ये ऐसे कथावाचक जो भी आप लोगों को देख रहे हैं, ये निश्चित रूप से बड़े ही श्रेष्ठ जन हैं और इन लोगों का अगर संसर्ग मिल जाए तो कल्याण हो जाए, आत्म कल्याण की दुआ तो जगत कल्याण हो जाए, ये बात है। तो ये ठीक है स्थिति, कोई कमजोर नहीं है। सूर्य मंगल और शनि की स्थिति आपकी कुंडली में ठीक बनी है। नक्षत्र के आधार पर आत्मविश्वास कमजोर मत करिएगा। चंद्रमा आपकी कुंडली में बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है पर उतने नहीं है। उनको अगर पक्ष का बल मिल जाता तो वो बड़े अच्छे और धनी हो जाते। अगर धन कमाने में कभी कभी दिक्कत होती है तो वो चंद्रमा के ही कारण होती है, मतलब निरंतरता नहीं होती और कई बार व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या बनती है, रक्त जनित समस्याएं बनती हैं, अपच, एसिडिटी, कब्जियत और गैस्ट्रिक पेशेंट भी हो सकते हैं। इस वजह से उसकी जांच भी कराते रहिएगा। आपकी कुंडली के आधार पे मंगल जन्म कुंडली में भरणी नक्षत्र में बैठे हैं और वो शुक्र अवस्थागत बिल्कुल अच्छे हैं। इस वजह से कामुकता भी है, उग्रता भी है और पाने की इच्छा भी ज्यादा है। लक्ष्य बड़ा ऊंचा मंगल दे रखे हैं शुक्र के नक्षत्र में होने के कारण। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में बुध जन्म कुंडली में शनि से दृष्ट हैं, पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं, शनि उन्हें देख रहे हैं। स्वग्रही शनि, स्वग्रही मंगल, दो ग्रह स्वग्रही और गुरु की दृष्टि पराक्रम, पंचम और सप्तम भाव पे, ये ठीक होगा। पर इस कुंडली के लिए वो रोगेश होते हैं, जहां जहां देखेंगे वहां वहां विलंब, परेशानी, प्रतियोगिता और रोग देते रहेंगे। इस वजह से गुरु की दशा में जब कभी गुरु की दशा में बुध का अंतर आए, जब कभी गुरु की दशा में राहु आए, जब कभी गुरु की दशा में बुध आए, जब कभी गुरु की दशा में चंद्रमा भी आ जाए या शनि आ जाए तो थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी। थोड़ा सावधानी से ही बिताइएगा, यह दशा शत्रु पैदा करती है। घर में चोरी चकारी ना हो, दाम्पत्य को लेकर के, पत्नी के सुरक्षा को लेकर के बिल्कुल ही कोई सामंजस्य मत करिएगा। अगर हो सके तो अपने आसपास के माहौल से बहुत ज्यादा सचेत रहिएगा, शत्रुता मत किसी से बनाइएगा। जितना ज्यादा हो सके ज्ञान के पक्ष के आधार पर अपनी समस्याओं को हल करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये शत्रु भाव है, परेशानी देता है और रोग भी देता है। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में गुरु पूर्वा फाल्गुनी के बैठे हैं और मैं समझता हूं कि वो आपको अनुभवी और संस्कार से युक्त रखेंगे और गुरुजनों का लाभ भी मिलेगा। यहां अगर शुक्र और सूर्य एक साथ नहीं बैठे होते तो अब तक आपकी कुंडली में जिनका नाम आपने लिया है उनसे आप दीक्षित हो गए होते, पर थोड़ी कमजोरी इसी वजह से हो रही है। हालांकि बुध शत्रु की राशि में बैठे हैं, इस वजह से करियर भी आपका कभी कभी कमजोर हो रहा है और इस वजह से ही कई बार सामाजिकता भी प्रभावित होती है। अपने आप को और भी ज्यादा प्रतिष्ठित करना चाहते हैं तो गणेश चतुर्थी का व्रत शुरू कर दीजिए। गुरु के बाद शुक्र की बात करूंगा। शुक्र आपकी कुंडली में ठीक बैठे हैं, अगर वो उस नक्षत्र में नहीं बैठे होते तो आपको ये योग जो आपने पूछा है, करोड़पति बन जाऊं, ये वाला भी नहीं होता, क्योंकि स्वप्न दिखाने का जो प्रभाव है वो शुक्र के ही कारण आ रहा है। शनि बिल्कुल ठीक है, वो खराब नहीं है,
पर हाँ इतनी बात है कि जिस नक्षत्र में बैठे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र के अधिपति मंगल स्वग्रही हैं और बुध से दृष्ट हैं, तो आपकी कुंडली में आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। चल अचल संपत्ति माता का सुख और व्यक्ति में तार्किकता और तर्क का बोध ये हमेशा ही रहता है, इसमें आपको कोई कमजोरी नहीं है। राहु और केतु के बारे में मैंने चर्चा करी। अब आपकी कुंडली में नवांश देखते हैं। लग्न में उच्च के शुक्र का देखना स्वग्रही बुध, राहु और केतु ये कंफ्यूज करेंगे और कई बार पत्नी के आने के बाद ऋण में भी व्यक्ति जाता है। ससुराल वालों से संबंध अच्छा रखिएगा, उनके साथ मतभेद मत करिएगा, उनको पैसा मत दीजिएगा, अटक जाएगा। एक बात और बता देता हूं, आपकी कुंडली में जो दशमांश बना है उसमें लग्न का अधिपति गुरु बनता है और दशम भाव के अधिपति भी गुरु बनते हैं, ये नीच के होकर के बैठे हैं, ये ठीक नहीं होता। इस वजह से कई बार कर्म क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानियों के साथ व्यक्ति को उदित होते देखा जाता है। वस्तुतः लग्न के अधिपति गुरु और राशि के अधिपति बनते हैं शुक्र। ये गुरु और शुक्र एक दूसरे से जन्म कुंडली में तृतीय एकादश में हैं, पर दोनों ही अच्छे नहीं हैं। इस वजह से भी कई बार, और दशम स्थान में बुध जो है वो शत्रु के घर में बैठे हैं, हालांकि दशम स्थान को शुभ कृति लगा है, इस वजह से आपके पास आ जाएगा जो चाहते हैं वो मिल जाएगा, पर मेहनत बाकी है। लग्न पे शनि और मंगल का प्रभाव आपको मेहनत करने के लिए मजबूर करेगा। इस कुंडली के लिए दिन शुक्रवार और शनिवार का बहुत अच्छा रहेगा। अंक इस कुंडली के लिए 9 बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए दिशा दक्षिण और पूर्व बहुत अच्छी रहेगी। नक्षत्र धनिष्ठा, पुष्य, भरणी, आर्द्रा, रोहिणी, पूर्वा, भाद्रपद और उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में नक्षत्र मृगशिरा का बहुत अच्छा रहेगा। हस्त, पुष्य, पुनर्वसु और रेवती या रोहिणी, नहीं रेवती तो नहीं, इस कुंडली में रेवती नहीं होगा, रोहिणी हो सकता है। रोहिणी में दान और दवाइयां मत खाइएगा, ना करिएगा, इतनी सारी चीजें हैं। अभी आने वाली है गुरु की दशा, उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, संतुलन आवश्यक होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।